मुझे आर्य गुरुकुलम की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसमें से दिनचर्या माने दिन की शुरुआत में क्या करना है उसका बहुत वर्णन है संस्कृत के ग्रंथ में। लोगों तक ये जानकारी पहुँचे इसके लिए हम बहुत सालों से प्रयत्नशील हैं। तो दिनचर्या के बारे में आसानी से आपको शास्त्र में क्या बताया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया, ऑथेंटिक क्या बात है वो हम बता रहे हैं अभी। तो सुबह उठने के बाद भूमि दर्शन बताया, उसके बाद दातुन की विधि, दंत धावन विधि बताई, जिह्वा शोधन विधि बताई, उसके बाद यदि रात को अच्छी तरह से खाया है तो पहले उषःपान बताया। तो वही उषःपान की बात हमने अंतिम वीडियो में की। तो उषःपान का एक ये भी है कि रात को यदि हम पानी रख देंगे गिलास वगैरह में और सुबह उसको एक या दो गिलास, आठ जो उतना होता है इसमें आठ ऐसे ऐसे पी सके, इतनी बार आप इतना पानी माने कि अंदाजे दो गिलास होगा, तो वो गिलास आठ गिलास पानी पियेंगे तो भी वो दो गिलास पानी पियेंगे तो भी वो फायदा करेगा, आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। दूसरी बात, नाक से भी पानी पी सकते, नाक से पानी पिया तो बहुत फायदा करेगा आपको, नाक को जो कफ के स्रोतस कफ को ले जाने वाले जितने भी भाग हैं उसमें से वो पानी पहुंचकर वो शुद्धिकरण करके आएगा। तो नाक से पानी पीने का भी आयुर्वेद में विधान है, तो ये भी आप पी सकते हैं, नाक से भी पानी पी सकते हैं। बाद में पानी पीने के बाद थोड़ा टहलना या थोड़ा इधर उधर घूमने का बताया है, और बाद में शौच लगे तो वो शौच में जाए आप तुरंत, और पेट साफ होने दीजिए। पेट सुबह साफ होना वो स्वस्थता की निशानी है आयुर्वेद में। हाइट और बॉडी की तरफ से स्वस्थता नहीं नापी गई है कि इतनी हाइट है और इतनी बॉडी है, तो हाइट और बॉडी का कोई संबंध आयुर्वेद में उस समय भी प्रमाण थे, नाप थे, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि इतने वेट वाले वजन की इतनी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग वजन अलग अलग प्रकृति के अनुसार रहेंगे, अलग अलग हाइट भी अलग अलग प्रकृति के अनुसार रहेंगी। तो ये जो BMI वगैरह जो बॉडी मास इंडेक्स आया है वो केवल ना केवल यहाँ को केवल आयुर्वेद के हिसाब से वो कोई स्वस्थता का प्रमाण नहीं है, और वो लोग जो बताते हैं उस तरह से तो 90% लोग स्वस्थ निकलेंगे, लेकिन आपको कुछ रोग नहीं होगा। तो बिना रोग के कारण आपको कोई दवाई, कोई पाउडर, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कोई भी पाउडर अननेसेसरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पाउडर में ऐसी अखाद्य वस्तु भी आती है जो आयुर्वेद में उसका मना किया गया है। तो हम बहुत बार ये बोलते हैं, कहते हैं कि आप जो भी वस्तु उपयोग करो नेचुरली करो, और जो भी वस्तु लो स्वदेशी लो, अपने किसानों के पास से, ग्राम उद्योग खड़े हो, अपने किसान खड़े हो, गाय माता खड़ी हो, उसके हिसाब से आप अपना ये करो। पाउडर जो प्रोटीन के आते हैं, विटामिन के आते हैं, वो पाउडर आपके शरीर के अंदर जाकर किडनी को डैमेज कर सकते हैं, किडनी को नुकसान कर सकते हैं, लीवर को नुकसान कर सकते हैं, हाथों को नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डाला हुआ है वो आपको पता नहीं होता है। इसके लिए ऐसी कोई BMI वगैरह जो बॉडी मास इंडेक्स है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसमें आयुर्वेद के ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन साइंस और सबसे ऑथेंटिक साइंस है उसमें इसके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। तो यह आप मानिए कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा भरमाए नहीं कि भाई हमको कोई रोग हो जाएगा, इतना वजन कम है या तो इतनी हाइट कम है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है हाइट और बॉडी के बीच में, कि वजन और हाइट के बीच में। तो वो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं कितना भी वजन हो, कितनी भी हाइट हो, तो वो उसके ऊपर आप ज्यादा प्रयत्न न करें, एक बात। दूसरी बात, वो शौचाचार का जो बताया, वो आसानी से शौचाचार हो जाने के बाद आयुर्वेद ने बताया कि अच्छी तरह से मिट्टी से या राख से ऐश होती है, कोई आप अभी साबुन से धोते हैं कोई और हैंडवॉश से धोते हैं रात, तो क्या होता है कि उसमें एंटीबैक्टीरियल वस्तुएं कम होती है, केवल एसेंस वगैरह ज्यादा होते हैं तो सुगंध आती है, लेकिन बहुत से प्रकार के बैक्टीरिया हमारे हाथ में रह जाते हैं, उससे बहुत से रोग होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भस्म को, रक्त राख को, भस्म को, ऐश को जंतु ने बताया है, वो जंतु का हर एक प्रकार के जंतु का नाश करने वाली है। इसके लिए उससे हाथ धोए, या तो हम अभी ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि उसके बना एक हमारा हैंडवॉश भी है जो वो भस्म से बना है, और उसमें आपको आसानी रहे सब लोगों को, इसके लिए हमारे गांवों में ग्राम उद्योग द्वारा वो भस्म डालकर वो बनाया गया है, उसमें से
भीमसेनी कपूर है, भस्म है, तो सभी जंतुघ्न पदार्थ डालकर ये हैंड वॉश बनाया गया है। तो ये हैंड वॉश का आप उपयोग कर सकते हैं और ये हैंड वॉश से आप हाथ धो सकते हैं। संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट से ये हैंड वॉश बना है, तो उसकी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये उपयोग करके आप अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर बाद में स्नान करना है। स्नान किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसके आयुर्वेद में बहुत बड़ी विधि है। तो हम अगले प्रकरण में जब स्नान की बात करेंगे तब इसके विषय में हम लेंगे। तो अभी इतना ही कि आप शौचाचार के बारे में जो आयुर्वेद में बताया उसमें से पेट साफ होना वो बहुत अच्छी बात है और स्वस्थता की एक निशानी है। इसके लिए यहाँ पे बताया है कि पेट जिसका साफ है उसके रोग माफ है सब। तो पेट साफ रखना उतना जरूरी है। तो सुबह पेट साफ हो ऐसा प्रयत्न करें तो ये बहुत ही आप लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे और दूसरे कोई रोग आपको नहीं हो सकते हैं। इतना कहकर अगले हम जो वीडियो में वापस मिलेंगे तो इसमें से हम शौचाचार की अभी बात की, उसके बाद हम स्नान की, अंजन की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।